Dear students, myself, Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College, Ajmer. हम complex tissues के बारे में discuss कर रहे थे. हम xylem पढ़ चुके हैं. दो type के complex tissues होते हैं, xylem and phloem. Xylem हमने study कर लिया. अब हम आ रहे हैं phloem पे. Phloem का भी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्लोएम के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम. फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो इस टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो मिलके एक ही कार्य करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. पत्तियाँ, लीव्स जो फूड सब्सटेंस बनाती हैं उसको फ्लोएम की हेल्प से पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है. अब फ्लोएम के अंदर चार एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स फोर टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला है सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स. अब सबसे पहले उसमें से हम लेंगे सीव ट्यूब्स. सीव क्या होता है? सीव इज अ छलनी. जैसे छलनी, हम गेहूँ छानने की छलनी, आटा छानने की छलनी, इसको बोलते हैं सीव. तो फर्स्ट एलिमेंट जो है सीव ट्यूब्स, ये जो सेल्स होते हैं ये फूड सब्सटेंस को कंडक्ट करते हैं. दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर कंडक्शन ऑफ फूड सब्सटेंस अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. ऊपर और नीचे फूड मटेरियल के कंडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं. ये लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं, एक के बाद एक लाइन के अंदर अरेंज्ड रहते हैं ये सेल्स. ये जो सीव ट्यूब्स के जो सेल्स होते हैं ये लंबे होते हैं, दीज आर लॉन्ग. सेकंड, दे आर थिन वॉल्ड, पतली भित्ती वाले होते हैं, सॉफ्ट एंड लिविंग सेल्स. लंबे होते हैं, पतली भित्ती वाले होते हैं, थिन वॉल्ड, सॉफ्ट होते हैं एंड लिविंग सेल्स. इनके जो ट्रांसवर्स वॉल्स होते हैं, इनके जो एंड वॉल्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं. स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन देयर ट्रांसवर्स वॉल्स ड्यू टू विच दीज वॉल्स लुक लाइक अ सीव. इनकी जो वॉल्स है वो छलनी की तरह से नज़र आती हैं, सीव की तरह से नज़र आती है, इसलिए उस हिस्से को सीव प्लेट बोलते हैं. व्हाट दैट पॉइंट इज कॉल्ड सीव प्लेट. अब जो मैच्योर सीव ट्यूब के सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन सेल्स के अंदर, और साइटोप्लाज्म जो होता है इनका पेरिफ्री पे होता है, साइड में होता है. साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं उनकी मदद से एक सीव जो ट्यूब है उसका सेल दूसरे सीव ट्यूब से कनेक्टेड होता है. तो साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल is connected to the cytoplasm of other cell through plasmodesmata. Conduction of food substance occurs through the plasmodesmata. Plasmodesmata के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में फूड सब्सटेंस का कंडक्शन होता है. अब cytoplasm of one cell is connected to the cytoplasm of another cell through plasmodesmata. Conduction भी होता है. एक जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है कैलोज, इट इज़ प्रेजेंट इन द सीव सेल. ये जो सीव ट्यूब के जो सेल्स होते हैं इसमें एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कहलाता है कैलोज.
वन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कैलोज इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इनसाइड द सीव सेल्स. अब ये जो होता है इसके अंदर मतलब जो कैलोज बनने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ कैलोज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स. ये जो सीव ट्यूब के जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि कैलोज को बनाने में और कैलोज को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और ये जो एंजाइम है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक्टिवेटेड होता है. कैलोज कंपाउंड जो होता है एक शीथ बना देता है प्लाज्मोडेस्मेटा के पास में, या सीव प्लेट्स की सीव्स को ढक लेता है कैलोज. कैलोज इज ऑलवेज थिकर इन ग्रोइंग एंड मेच्योर सीव ट्यूब्स एंड एट लास्ट इट क्लोज द सीव पोर्स. ये स्लीव पोर्स को बंद कर देता है जिससे कि सीव ट्यूब्स गेट इनएक्टिवेटेड, जिससे कि जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं. कैलोज लेयर बिकम्स थिक इन विंटर. सर्दियों के अंदर कैलोज की जो लेयर होती है वो मोटी हो जाती है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग और समर सीजन आता है तो ये कैलोज की लेयर घुल जाती है. डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो होते हैं कैलोज के वो एक्टिव हो जाते हैं, जिनकी मदद से ये जो कैलोज की लेयर है ये घुल जाती है, बिकम थिनर और डिसअपियर, एंड सीव अगेन गेट्स एक्टिवेटेड. और जो सीव ट्यूब्स का जो सेल वो सेल है वापस एक्टिवेट हो जाता है. ये हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो ए डायग्राम है ये सीव एलिमेंट है, सीव एलिमेंट है जिसमें हम देख सकते हैं सीव प्लेट देख सकते हैं. हम प्लेट सिरों पर सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, सीव सेल होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं. अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है फ्लोएम का वो है कंपेनियन सेल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन अभी हमने बोला कि जो सीव ट्यूब की सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, तो न्यूक्लियस का जो कार्य है वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस डायरेक्ट करती है सीव ट्यूब सेल को सब काम करने के लिए. इसलिए हमेशा सीव ट्यूब के सेल के साथ में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि कंपेनियन सेल की जो न्यूक्लियस होती है इट डायरेक्ट्स द सीव ट्यूब सेल टू डू द फंक्शन. अब यहाँ पर हमको कंपेनियन सेल भी नज़र आ रहा है, सीव सेल नज़र आ रहा है, सीव प्लेट नज़र आ रही है. तो ए तो है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन इसका, बी है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीव सेल्स, सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल, ठीक है. पैरेन्काइमा सेल्स भी नज़र आ रहे हैं हमको इसमें. और जो सी डायग्राम है वो है सीव ट्यूब के अंदर कैलोज का. हम यहाँ देख रहे हैं कैलोज जो होता है वो डिपॉजिट हो रहा है. जो ब्लैक कलर की जो सेल हैं वो सीव एरिया है, ब्लैक ब्लैक तो सीव एरिया है. और इस सीव एरिया के बीच में विंटर सीजन में कैलोज आके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि इधर से एक सेल से दूसरे सेल में जाने की क्षमता खत्म हो जाती है ना. विंटर्स के अंदर पतझड़ जब आता है तो फूड मटेरियल जो होता है, लीव्स सब गिर जाती हैं, तो फूड मटेरियल का कंडक्शन नहीं होता है, तो सारी लीव्स गिर जाती हैं, पौधा मुरझा जाता है. लेकिन एज सून एज विंटर समर एंड स्प्रिंग सीजन कम्स ये कैलोज घुल जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिग्रेडिंग एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ डिग्रेडिंग एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, कैलोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि कैलोज खुल जाता है. और कैलोज के घुलने के बाद में वापस से कंडक्शन चालू हो जाता है और नई पत्तियां आ जाती है और नई लीव्स फॉर्म होती हैं, फ्लावर्स फॉर्म होते हैं एंड द प्लांट अगेन स्टार्ट्स ब्लूमिंग. तो सीव ट्यूब्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती हैं. एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट
और सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लंबे होते हैं। ओब्लिक ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं इसमें। कई रीजन्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स पे जो कि सीव एरिया कहलाते हैं, और ये सीव एरियाज लेटरल वॉल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसवर वॉल्स पे तो होते ही हैं, लेटरल वॉल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक डायग्राम और है सीव ट्यूब का। सीव ट्यूब मेंबर, अब कंपाउंड सीव प्लेट है, ये सब कंपाउंड सीव प्लेट दिखा रही हैं कि एक से अधिक जो सीव्स हैं, एक से अधिक छेद हैं सीव प्लेट पे, वो शो करता है कंपाउंड सीव प्लेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीव ट्यूब सेल्स। आज हमने पहला एलिमेंट पढ़ा फ्लोएम का, विच इज सीव ट्यूब। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, विच इज कंपेनियन सेल्स। ओके।